शिवाय गौरी बदनाम जबरिंदा शोरजा यदक्षा ध्वरना शिकायो श्री नीले कंठाय बृखा ध्वजायो तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक मीन स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मीन राशि वाले लोगों को अपने जीवन में किस प्रकार के महिला से, किस प्रकार के स्त्री से दूर रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतर होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ऐसी औरतों से दूर रहना है जो औरत आपका सम्मान नहीं करे। आप बैठे हो या आप उस औरत के पास हो और वो आपका सम्मान नहीं करती है, वो आपका मजाक बनाती है, तो ऐसी औरतों से आप दूर रहें। और दूसरी बात ये हुई कि ऐसी औरतें जो आपके सामने में किसी और मर्द की तारीफ करे, आपके गुणों की तुलना वो किसी और मर्द से करे, किसी और पुरुष से करे, तो ऐसी महिला से आपको दूर रहना होगा। ऐसे महिला के साथ अगर आप संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो यह फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसे महिला से आप दूर रहने का प्रयास करें जो आपके सामने में किसी और व्यक्ति से ज्यादा मधुरता रखे और आपके साथ संबंध सामान्य रखे, वो आपको ये फील कराए कि आपसे बढ़कर उसके लिए सामने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे महिला से आपको दूर रहना होगा। जो महिला आपके ऊपर बार बार एहसान दिखाए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुम्हें ये खरीद के दिया, मैंने तुम्हें वो खरीद के दिया, यानी कि जो भी औरत आपको बार बार एहसान याद कराए, ऐसी औरतों से आपको दूर रहना होगा। अगर आप इनके संपर्क में रहते हैं तो यह फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा और आपका आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। इस बात को आप याद रखें। जो महिला आपसे ये कहे कि तुम्हारे संपर्क में आने के बाद मेरा जीवन खराब हो गया, मैं तुम्हारे संपर्क में आने से पहले इतनी अच्छी थी, मेरे मायके में ये संबंध था, ये सुविधा था, और तुम्हारे साथ आने के बाद मेरा जीवन खराब हो गया, तुम्हारे साथ आने के बाद मुझे बहुत दिक्कतें हुई, इस प्रकार की 100 बातें जो महिला आपसे कहे, ऐसे महिला से आप दूर रहें। यह आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। जो भी औरत लालची हो, आपसे रुपया पैसा सामान सारा वस्तु लेने के बाद भी और लेने की उम्मीद में हो, उसके मन में ये भावना हो कि मैं कुछ और लूं, अगर उसके मन में बार बार मैं कुछ और लूं की भावना आती है, तो वह औरत आपको कंगाल कर देगी, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे औरतों से आपको दूर रहना होगा। जिस औरत के मन में संतोष नहीं हो, वह आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, इस बात को आप याद रखें। मीन राशि वालों, आगे हम और बात करेंगे, परंतु उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के नीचे जय बजरंगबली कमेंट कर दें, और कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी औरत सिर्फ और सिर्फ मतलब खुद से रखे, न आपका केयर करे, न आपके घर वालों का केयर करे, यानी कि जो भी औरत मतलबी हो, ऐसी औरतों से आपको दूर रहना होगा। अगर इस प्रकार की महिलाएं आपके संपर्क में रहती है, तो यह आपके घर परिवार के माहौल को, आपके घर के वातावरण को खराब कर देगी, तो अगर संभव हो सके तो ऐसे महिलाओं से आप दूर रहें। इनसे या तो आप संबंध खत्म कर लें या इनसे दूरी बनाकर रखें, ये ठीक रहेगा आपके लिए। जो भी औरत आपको दिन भर ताना देती है, आपसे हमेशा लड़ाई करती है, आपके घर वालों के साथ तीखे स्वर में बात करती है, वो हर वक्त सामने वाले व्यक्ति से गाली ग्लौज में ही, यानी कि अभद्रता से बात करती है, ऐसे महिलाओं से आपको दूर रहना होगा।
क्योंकि जिस महिला के अंदर विनम्रता नहीं होगी उस महिला के साथ रहकर आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। अगर ऐसे महिला के साथ आप रहते हैं तो आपका फ्यूचर अंधकार में जाएगा। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो बार बार आपके ऊपर लांछन लगाए, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, ऐसी महिलाओं को आपको खुद से दूर रखना होगा। वैसे छोटी मोटी नोक झोंक, थोड़ी बहुत बहस तो घर में होती है, हर घर में होती है, थोड़ा बहुत नोक झोंक सभी के बीच में होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपके प्रगति से जले, कोई महिला ऐसी हो जो आपके तरक्की से जले। तो आपको ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना होगा। तो मीन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी था। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे ओम श्री गणेशाय नमः कमेंट कर दें, और कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें।